बैटमैन, क्या हो रहा है? मियां बुढ़ापे में जवान बनने की कोशिश, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, वाह साहब। बूढ़े हो गए तुम, मैं तो यार फिट आदमी हूं और अपने आप को फिट रखने के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे काम करना है अभी। वाह, काम करना है यार, कमाल है। मुझे देखो, मैं तो रिटायरमेंट की आरजू में तरसता हूँ, और एक तुम हो कि नई नौकरी के लिए पिलक रहे हो। यार नदीम, मैं घर में बैठे बैठे फॉसिलाइज्ड हो जाता हूँ। भाई आदमी काम करता रहे, मेहनत करता रहे तो फिट रहता है, जवान रहता है। नहीं नहीं, मगर मैं ये कब कह रहा हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम की नौयत वक्त के साथ साथ बदलनी चाहिए। अब देखो ना, जवानी में इंसान दौलत, जाह और शोहरत के लिए काम करता है, लेकिन इसके बाद उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जो ज्यादा राह के काम आ सके, जैसे बागबानी, शायरी, सियाहत, मेल जोल वगैरह वगैरह। यार ये चीजें एक हेल्दी आदमी को कैसे कंज्यूम कर सकती है? भाई आदमी तो उसी वक्त फिट रहता है जब काम करता रहे। मुझे देखो, फिलिप, वाह भाई कमाल है। लेकिन एक बात है, ये सब अमेरिका की खुराक का असर है, वहां के रहन सहन का असर है। यहां 2-4 साल रहोगे ना तो बुढ़ापा खुद ब खुद की ढांचा तोड़कर बाहर निकल आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है, वहां की खुराक और रहन सहन का अपना एक खास असर होता है। अमेरिका में इंसान को जवान बल्कि नौजवान रखने की भरपूर कोशिश की जाती है, और यहां तो नौजवान को भी बूढ़ा कर दिया जाता है। यार बात यह है कि यहाँ आदमी को वक्त से पहले रिटायर करके उसके हाथ में तस्वीर पकड़ा दे। भाई आदमी तो फिट उसी वक्त रहता है, जवान उसी वक्त रहता है जब वो काम करता रहे। यही तो मुश्किल है यहाँ। ये लीजिए, आपकी भाभी आ गई, आइए जूस पीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कहिए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं भाभी? वो हमेशा की तरह है, हर वक्त ऑर्डर पे ऑर्डर चलाई जाती है और बस। मैं सजाद को कॉल बुक करा दूं? अरे भाभी कॉल क्यों बुक कराएंगी, डायरेक्ट डायल कर लें। क्यों भाई, पाकिस्तान में कब से डायरेक्ट डायलिंग शुरू हो गई? कमाल है, आपको पता ही नहीं है, काफी अरसा हुआ। भाई नदीम, 20 साल अमेरिका में रहने के बावजूद भी बहुत सीधी है तुम्हारी भाभी। सुनिए इनकी बात आपने नदीम भाई। अरे भाभी, इसकी बातें तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये वही रशीद अहमद कौसर है। आर ए कौसर, नॉट रशीद अहमद कौसर, ओके? मैंने ने लाख कहा है कि 20 साल बाद वतन वापस लौट रहे हैं, कराची में जर्नी ब्रेक करेंगे, सज्जाद के पास ठहरेंगे और फिर। अरे उस बेचारे पर खामोखा बोझ डालते, भाई जवान बच्चे आजादी रहते हैं ना, आजादी अच्छी लगती है उन्हें। माँ बाप खामोखा बोझ होते हैं बच्चों पर। भाभी ये नजरिया भी अमरीका से लाया है, बच्चों से लाताल्लुकी का। देखो ये बात तो मान लो नदीम के ये नजरिया अच्छा है, भाई इसमें माँ बाप भी आजाद और बच्चे भी आजाद, ठीक है ना? ये मोबाइल को मैं सज्जाद को कॉल प्लीज। ओ थैंक यू, लाइए जरा मुझे भी जूस दीजिए। हाँ, अभी जूस बहुत अच्छा बनाया आपने। जरूर जरूर लीजिए। थैंक यू। हाँ बात हो जानी चाहिए। मैं सज्जाद को मिलाता हूँ। हाय और भाभी कैसी गुजर रही? नहीं अबू, संडे बना रहा हूँ जी। जी अबू, नहीं अबू, कोशिश करूंगा आने की, देखें इंशाल्लाह। जी जी, कल का अखबार देखा था अबू आपने? उसमें एक नौकरी निकली है, कंसल्टेंट इंजीनियर की। नहीं अच्छा रैंक है, जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक की जॉब है। जी जी अबू, जी अबू मैंने तो अप्लाई कर दिया है। जी कल आपने अखबार देखा था अबू? कल का अखबार था ना? नहीं तकरीबन सारे अखबारों में इश्तेहार था। जी नहीं वो मेरी तैयारी पूरी मुकम्मल है, मैंने तो अप्लाई कर दिया उनके लिए। जी अबू मैं क्वालिफिकेशन से नहीं डरता, लेकिन अबू ये अमरीका थोड़ी है, यहाँ सिफारिश बहुत जरूरी होती है। अबू मतलब मेरा मतलब था कि अबू ठीक है आप 20 साल बाद आए हैं वहां से अमेरिका से, लेकिन
मेरा मतलब था कि आपके कनेक्शंस तो होंगे ना अबू। वो ठीक है कि हमारी मेरी और आपकी क्वालिफिकेशन का इंजीनियर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बात कर लेते किसी से तो। जी अच्छा एक काम मैं करता हूँ, मैं आपको बोर्ड के मेंबर्स की लिस्ट कल फोन करके बता दूंगा, ठीक है अबू? ओके अबू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके गार्डन से खुद रोजेस पिक करके लाई हूँ तुम्हारे लिए, मैंने सोचा तुम्हारे बेडरूम में लगाने चाहिए। हाउ स्वीट, कभी इतनी मॉडर्न हो जाती हो कि बेडरूम में रोजेस लगाने आ जाती हो, और कभी इतनी कंजर्वेटिव बन जाती हो कि मम्मी डैडी मान गए तो तुम चीज क्या हो? मैं और नहीं तो क्या, मतलब फिल्म पे चली जाती हो मेरे साथ, बीच नहीं जाती, ये क्या बात है? सजाद मैं सोच रही थी। क्यों ना सोचो, सीरियस बातें करती हो संडे खराब करोगी मेरा। हम लोग भी क्या है क्या है, एक पांव हमारा कन्वेंशन में फंसा है जबकि दूसरा पांव हमने शख्सी आजादी खुद मुख्तारी नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट तहरीक में डाला हुआ है। एग्जैक्टली अब तुम खुद ही बताओ कि मजबूती कहां से आएगी? डूबेगी हमारी जनरेशन सारी की सारी। वो क्यों? क्योंकि सजाद हम जिंदगी वो गुजारना चाहते हैं जो हमारी पसंद की हो, और एडवांटेजेस हमें वो चाहिए जो माशरे का तहफ्फुज़ बर्बाद करती हैं, यानी माँ बाप की रस्सी से बंध के हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन रस्सी जरा दराज होनी चाहिए। मुझे तो माँ बाप से कटे हुए 20 साल हो गए सोनिया। शायद इसीलिए तुम्हारी सोच एक तरफा है। ये तुम्हें क्या हो गया वैसे आज? मैं चाहती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार मैं आंखें बंद करके दिमाग रोक के अपने अम्मी अबू की सारी बातें मान लूं। दूसरे लफ्जों में ये कि सज्जाद को छोड़कर डॉक्टर इमरान से शादी कर लूं। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि कहीं पे मेरी पसंद, मेरी अपनी खुशी, पता नहीं क्या बात है, ये सेल्फ का तोता क्यों बोल पड़ता है ऐसे मौकों पर। तुम्हें हुआ क्या आज सोनिया? ना तुम्हें काम की नौकरी मिलनी है नियर फ्यूचर में, और ना मेरे अम्मी अबू ने मानना है, और जिस डॉक्टर का फ्यूचर सेफ है उस पे मेरा दिल नहीं मानना। मैं और मेरी जनरेशन की सारी लड़कियां आधे रस्तों पे मारी गई। We're all suffering from half desires. Half desires. Anyways, तुम मेरी फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो अब सोनिया, क्योंकि मुझे अब नौकरी मिलने वाली है, और वो भी जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक की, कंसल्टेंट इंजीनियर। खाओ मेरे सर की कसम। हैं? कोई मॉडर्न सी कसम खिलाओ। अच्छा, तो फिर खाओ अपने अब्बू के बैंक बैलेंस की कसम। बैंक बैलेंस की कसम एनी टाइम। अच्छा, अब ऐसा करो जल्दी से उठो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, हमने आज संडे ब्रंच पे जाना है। Thank you.
जुबैरी साहब हैं क्या? बेटे मैं उनका 20 साल पुराना दोस्त बोल रहा हूँ। नहीं नहीं आप नहीं जानते मुझे। हाँ सो रहे हैं? नहीं नहीं बेटे उन्हें सोने दीजिए। हाँ और जब वो उठे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनसे कल शाम को मिलने आऊंगा। हाँ क्या नाम बताएंगे आप मेरा? आर.ए. कौसर शिकागो से। शाबाश गुड बॉय। थैंक यू बेटे बाय। यार कौसर यहां के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि खत्म होने को नहीं आते। यार जुबैरी वक्त काटना वहां पर भी आसान नहीं है और स्पीड का तो ये आलम है कि अगर स्पीड की वजह से खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए ना तो एक साथ 10-12 गाड़ियां टॉपल कर जाती हैं। वैसे खुदा यहां की रफ्तार से भी बचाए भैया। एक फाइल को एक मेज से दूसरी मेज तक पहुंचने में पूरा एक महीना लग जाता है। लेकिन वहां सिविक सेंस बहुत है मगर ये एहसास रहता है बल्कि ये मरज लग जाता है कि ना ये सरजमीन अपनी है ना ये लोग अपने हैं। भाई मैं तो 20 साल रहा हूं ना, कभी कभी तो ऐसी लोनलीनेस फील होती है ना कि भाग जाने को जी जाता है। वैसे लोनलीनेस का भी यहाँ भी बहुत बुरा हाल है बल्कि अबतर। भाभी यहाँ इंसान यूं जिंदगी गुजार रहा होता है जैसे किसी जजीरे में रह रहा हो। माफ कीजिएगा मिसेज मेरी घर पे नहीं है। आप यूं करेंगे सारा से मिल लें। सारा तो बड़ी हो गई होगी। जी आपकी दुआ से MA फाइनल में है वो। अच्छा 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 मैं अंदर जाती हूँ, अम्मा जान से भी मिल लूं और सारा से भी मिलकर आती। अच्छा आप मिलकर आए। यार कौसर मैंने तो डिसाइड कर लिया है, इधर मैं रिटायर हुआ और उधर मैंने बोरिया बिस्तर बांधा कनाडा के लिए। बहुत खूब भाई, मैं वहां से भाग कर यहाँ आया हूँ और आप यहाँ से वहां भाग जाना चाहते हैं। अरे खुदा के बंदे आसमान हर जगह एक है, खुदा हर जगह वही है। ठीक कह रहे हो लेकिन कम से कम रिश्तेदारों की इंटरफेरेंस तो नहीं होगी ना भाई। गैर मारेंगे तो मारे, कम से कम ये गम तो नहीं रहेगा ना कि अपनों ने बिन पानी के मार दिया। भाई जुबैरी देखो बात यह है कि मेरी और तुम्हारी उम्र के आदमी को मरने का खौफ लिए फिरता है जगह ब जगह कूचा ब कूचा। इसका एक बेहतरीन इलाज है वो यह है कि ऑक्यूपेशन। अगर आदमी मसरूफ रहे काम में जुता रहे तो भाई सुबह शाम इतने लंबे नहीं रहते। वैसे यार कौसर एक वक्त ऐसा भी आता है कि काम भी फरोई नजर आने लगते हैं, ऑक्यूपेशन भी इंसान की अंदर की बेचैनी को कंज्यूम नहीं करती। खैर छोड़ो, मैंने जो तुम्हें एप्लीकेशन दी है ना उसका ख्याल। इंशाल्लाह। वैसे यार कौसर ये जो बच्चे हैं बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी चीज है ना? यार मैं इतना अरसा अमेरिका में रहकर आया हूं कि अब मेरे पास फैमिली लाइफ का वो जिंदगी बख्श तसव्वुर नहीं रहा। अब मैं और मेरा बेटा सज्जाद एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी हैं। भाई आदमी अगर जवान नहीं रहता तो जवान बच्चों के जवानी के गम सहकर जवान रहता है। यार जुबैरी मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो। अच्छा कौसर मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है? यार जुबैरी मुझे अपने बेटे से ऐसी मोहब्बत है जैसे सूरज को सोई हुई दुनिया से। न सूरज दुनिया को जगाए बगैर रह सकता है, न दुनिया की आंख सूरज के बगैर खुल सकती है, न बच्चे माँ बाप के तजर्बे के बगैर आगे बढ़ सकते हैं, न माँ बाप बच्चों की तरबियत किए बगैर रह सकते हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं, एक एक फासले का रिश्ता कितना आम होता है। देखो यार कौसर बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो देख देख दोस्तों का काम नसीहत करना नहीं है, ये खैर ख्वाही तुम अपने पास रखो और मैंने जो एप्लीकेशन दी है ना उसका ख्याल रखो। अच्छा कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं वादा। ठीक है भाई वादा। पक्का वादा। पक्का वादा। थैंक यू। अब जरा चाय वाय तो मंगवाओ ना। अच्छा मैं ऐसा करो कि तुम गयूर अबू मैं बात कर रहा हूँ जी। अबू जी वो चेयरमैन का नाम है जुबैरी साहब, अब्दुल्ला जुबैरी जी।
मेरे ख्याल से वो आपके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। जी अबू, जी अबू, नहीं अबू, अबू मेरे लिए से बेहतर अपॉर्चुनिटी कहाँ हो सकती है? अगर आप थोड़ी सी उनसे बात कर लेंगे तो। जी अबू, अबू कहाँ सारी उम्र पड़ी है? अबू आई रियली वॉन्ट दिस जॉब, प्लीज अबू। नहीं मैं खाली चाह रहा था कि मुझसे बात कर। रियली थैंक यू वेरी मच अबू, अबू थैंक यू सो मच, यू ग्रेट। ओके अबू, अबू वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके ओके अबू, खुदा हाफिज। सजाद तुम आ रहे हो या मैं जाऊं अकेली? प्लीज बैठे मिस्टर सज्जाद। सज्जाद मैं जानता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन का कोई दूसरा आदमी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, बट वी वॉन्ट सम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सर एक्सपीरियंस तो इंसान को काम करने के बाद ही हासिल होता है ना। हम आपके केस को सिंपैथेटिक हियरिंग दे रहे हैं, बट आई थिंक यू आर टू यंग फॉर दैट जॉब। सर मुझे आज तक ये मंतक समझ में नहीं आई, किस किताब में लिखा है कि बुढ़ापा और एफिशिएंसी हाथ में हटा के चलते हैं? आई एम रियली सॉरी मिस्टर सज्जाद, एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी किसी को सेलेक्ट कर चुके हैं फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू अस। सर काश ये बात मुझे पहले मालूम हो जाती, मैं कराची से ही नहीं आता। आप परेशान ना हो मिस्टर सज्जाद, आप एक यंग मैन हैं, अभी आपके पास बहुत से मौके आएंगे। सर शायद मुझे इस मौके की अभी ज्यादा जरूरत थी, सॉरी मैं आपको टाइम लिया। Come in. Zubair sir. Zubair sir, मैं उसी कंसल्टेंट की जॉब के लिए हाजिर हूँ। बैठो। No, thank you. देखो सज्जाद, तुम्हारे जैसे नौजवान से मुल्क की और खुद मुझ जैसे लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं चाहता था कि उस जॉब पे तुम जैसा कोई यंग आदमी फिट हो जाए, लेकिन मैं मजबूर हूं, सिफारिश हो चुकी और मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आप मेरे फादर की पोजीशन से आगा नहीं है, आप नहीं जानते वो कितने साख वाले आदमी हैं। जब उनको मालूम होगा ना कि आप लोगों ने कैसे मेरी हक तलफी की है, वो आप लोगों से बदला लेंगे। इज अ वेरी ब्रेव मैन। देखो सज्जाद, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम, ये पाकिस्तान है, यहां पर इंसान अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता।
औरों के लिए जीना पड़ता है, उसे औरों के लिए मरना पड़ता है। I'm also fed up and I'm soon leaving this country. सर, आप मुझे उस शख्स का नाम बताएंगे जिसे आप लोगों ने सिलेक्ट किया, प्लीज। गजट में छप जाएगा। सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, I promise. Sir, I really want to know. नहीं नहीं, तुम नहीं जानते उसे। He has just come from America. America? कौन है? आर ए कौशल। क्या क्या कहा आपने? रशीद अहमद कौशल। वंडरफुल, सही मौके पर आए। अरे डैडी को नौकरी मिल गई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अम्मी, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। आखिरी बार? क्यों? अम्मी, मैं कनाडा जा रहा हूँ हमेशा के लिए। कनाडा जा रहा हूँ हमेशा के लिए? सज्जाद, डोंट बी अ फूल। वहाँ शोहरत है, दौलत है, इज्जत है। एक काला आदमी हमेशा काला ही कहलाता है। और अम्मी, यहाँ काला आदमी हमेशा ना तजुर्बेकार रहता है। आओ अंदर जाओ, आ जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाना। क्या अपने टैली से भी नहीं मिलोगे? उनको आप भारी भेज दीजिए। सज्जाद माय सन, अब्बू, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। क्या मतलब बेटा? आप जानते हैं मैं लंबी बात नहीं करता अब्बू। मैंने सारी जिंदगी टेक्निकल तालीम पाई थी और मैं कम ऑन बेटा, हैव अ कप ऑफ। नो थैंक यू अब्बू, थैंक यू वेरी मच। आखिर हुआ क्या? हुआ क्या अब्बू? हुआ यह है कि आप और आप जैसे वल्चर्स हम यंगस्टर्स की अपॉर्चुनिटीज को हड़प करना चाहते हैं। सज्जाद,
अगर आपको वो जॉब चाहिए थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो देखो मेरे बेटे, पाकिस्तान में सेटल होने का मेरा ये आखिरी चांस था, और तुम तो माशाल्लाह यंग हो, तुम्हें कैरियर बनाने को सारी जिंदगी पड़ी है। यानी आप मुझे देश से निकाल कर खुद यहाँ सेटल होना चाहते? बाबू आप बहुत अच्छे बाप निकले। बेटा सज्जाद, देखो बेटा, हर बूढ़े आदमी में एक हिर्स होती है, जिंदगी की हिर्स, दौलत की हिर्स, मोहब्बत की हिर्स। अगर ये हिर्स उसमें ना हो ना तो वो जिंदा नहीं बचता। बूढ़े शेर के मुंह को कोई ना कोई लहू तो लगाना पड़ता है ना। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अपना बाप मेरे पांव पे कुल्हाड़ी मार देगा। अबू, क्या आप लोगों को हम नौजवानों पर जरा तरस नहीं आता? तुझे क्या बताएं बेटा सज्जाद कि हम किस लिए अपने देश आए थे और हमने किसी भी कीमत पर यहां सेटल होने की आरजू क्यों की थी। मौत से मांगे हुए जिंदगी के चंद साल हम किसी के साथ गुजारना चाहते थे, मगर तू क्यों सुनेगा? तेरा अपना अलमिया है, तेरी जिंदगी को तेरा बाप खा गया। मेरा अपना अलमिया कि जिसके खातिर हम देश आए वही परदेसी हो गया। इन दो अलमियों के दरमियान जाने जिंदगी कैसे गुजरेगी?